छत्तीसगढ़ सुखी छत्तीसगढ़ इस विजन के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के दिशा निर्देश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अपनी पूरी क्षमता के साथ राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। समुदाय स्तर पर इस प्रयास में मितानिन कार्यक्रम के साथियों के प्रभावी योगदान से यह स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। इन प्रयासों से राज्य के स्वास्थ्य सूचकांकों में बृहद परिणाम देखने को मिले हैं। मितानिन ने प्रदेश की जनता को शासकीय स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है एवं अपने समुदाय में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु दिन रात तत्पर रहती है। यद्यपि मितानिनों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में निरंतर वृद्धि हुई है एवं आज एक औसत मितानिन प्रति माह 6,900 रूपये प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर रही है, परंतु अक्सर यह देखने को मिलता था कि मितानिन के प्रोत्साहन राशि के भुगतान में विलंब हो जाता है। ऐसा भुगतान प्रक्रिया में जटिलता एवं प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया में देरी के कारण हो रहा था। पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों को अगर हम देखें तो उनके त्वरित विश्लेषण से यह पता चलता है कि कम से कम 31 विकास खंडों में मितानिन की प्रोत्साहन राशि का भुगतान 3 माह से अधिक विलंब से किया गया एवं 140 विकास खंडों में 2 माह से अधिक की देरी से भुगतान प्राप्त हुआ। ये विकास खंड राज्य के सभी संभागों एवं जिलों से संबंधित थे। कारण जो भी रहा हो, इस विलंब को किसी भी तरह से वांछनीय नहीं कहा जा सकता है। भुगतान में हो रहे इस विलंब को हमेशा के लिए रोकने हेतु आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के दिशा निर्देश में राज्य स्तर से एक साथ सभी जिले के सभी विकास खंडों के मितानिन कार्यक्रम के सभी साथियों को राशि हस्तांतरित किया जाएगा। कभी कभी ये पूछा जाता है कि ऑनलाइन व्यवस्था तो पहले से थी और मितानिन बहनों के खाते में ही ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा था, तो आज का ये नवा सौगात क्या है? पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी, व्यवस्था तो थी लेकिन उसका क्रियान्वयन धरातल पर इस तरीके से नहीं हो पा रहा था कि जिसे हम कह सकते हैं कि प्रयास को संपूर्ण बनाने के लिए कुछ गैप थे और उन गैप को की पूर्ति आवश्यक थी। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इस गैप की पूर्ति की जा रही है और राज्य स्तर पर एक क्लिक के माध्यम से पूरे राज्य के 72,000 मितानिनों के खाते में वेतन एवं प्रोत्साहन की राशि ट्रांसफर हो जाएगी। इस सिस्टम से राज्य के सभी मितानिन, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कार्यक्रम हो, जैसे बस्तर के सुदूर क्षेत्र, सरगुजा के जंगल क्षेत्र, कवर्धा के पहाड़ी क्षेत्र अथवा रायपुर के शहरी इलाके, सभी को एक साथ समय पर भुगतान प्राप्त होगा। प्रत्येक माह मितानिनों को 3 वित्तीय स्रोतों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि एवं राज्य सरकार के द्वारा एक मुश्त राशि का भुगतान अलग अलग समय पर होता था, जिससे कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। इसके समाधान हेतु नई प्रक्रिया में मितानिन कार्यक्रम के प्रत्येक कार्यकर्ता को SMS के माध्यम से भुगतान की विस्तृत जानकारी भी भेजी जाएगी। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आज की इस नवा शुरुआत से न सिर्फ मितानिनों की भुगतान व्यवस्था सुदृढ़ होगी बल्कि शासकीय वित्तीय प्रणाली में एक नई पहल के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेगी। एक बार मैं पुनः विभाग की ओर से समस्त अतिथिगणों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित तौर पे जो समस्याएं थी अब एक बटन से, एक क्लिक से दूर होने वाली है। तो हम सादर निवेदन करेंगे हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय विष्णुदेव साय जी से, बटन दबाकर राज्य स्तर के इस राशि अंतरण का, ऑनलाइन राशि अंतरण का शुभारंभ करेंगे। और आप सभी दीदियों से निवेदन, तालियां जोरदार होनी चाहिए। वीडियो के संगमा सुगर अंतरण 3, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा काकर काकर मोबाइल में SMS आगे भाई, दीदी मन दिखा देवाओ आगे तो बने, धन्यवाद कहो ना भाई, बने ताली वाली बजना चाहिए ना, ऊपर वाला मन दीदी मन के मोबाइल में नहीं आएगा, आगे तो बने तो एकदम माननीय मुख्यमंत्री जी आभार व्यक्त करो। अच्छा इसे करता ना, आपके मोबाइल के रोशनी फ्लैश लाइट ला ऑन कर ले जम्मो जन सबके सब, और धन्यवाद कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी ला, धन्यवाद तो कहो, बने 3 गांव कहना है, धन्यवाद तो कहो, धन्यवाद तो कहो, धन्यवाद तो कहो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आइसन सुघर बेरा नवा सौगात आप मन ला मिले हैं।
और निश्चित तौर में ये सुघर बेरा है और जेन मितानिन दीदी मन मेहनत करते सामुदायिक स्वास्थ्य पर अब मंची रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से वो मतलब सम्मानित करे जाही जिन मन अपन कार्य के माध्यम ले अच्छा काम करी से और निश्चित तौर में अपन जिला ला और हमारे राज्य ला आगू बढ़ावा थे और वो दीदी मन ला प्रतीकात्मक रूप में जो पासबुक के कॉपी घलो दे जाही। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा माननीय हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री जी के करकमलों से सम्मानित दीदियों को सम्मानित किया जाएगा। तो दीदी मन तैयार हवाओ हाओ तो कहाओ। सादर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, समस्त आगंतुकों के करकमलों से सम्मानित किया जाना है। सबले पहली श्रीमती माधुरी पैकरा जी जिला जसपुर के है, माननीय मुख्यमंत्री जी के जिला ले आते तो बने जसपुर की हमर दीदी आवत है श्रीमती माधुरी पैकरा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, गणमान्य अतिथियों से निवेदन, आप मन के करकमलों से ये पासबुक के कॉपी और सम्मानित करे जाही दीदी मनला जिन मन सुघर काम करे है। दीदी मन बढ़िया ताली बजावाओ। माधुरी पैकरा जी है जिला जसपुर ले स्वास्थ्य के क्षेत्र में मितानिन के रूप में दीदी मन के अनवरत काम है। 20 साल से काम करे थे दीदी टीकाकरण ना वो लैका मन के बीमारी ले दूरी रखे बड़े मन काम करते। 9 जन कुपोषित लैका मन ला बीमारी ले बचाए है तो ये रिक्यूम ले मल सम्मानित करे जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से श्रीफल और सौल के माध्यम से। बढ़िया ताली दीदी पर। बगिया के रवैया है गांव बगिया के जाना तो बगिया माननीय मुख्यमंत्री जी के गांव है कांसाबेल विकासखंड जिला जसपुर। बहुत बहुत बधाई दीदीला वृद्धजन मन विकलांग मन की सेवा करे है सुघर। एक क्रम में अगला जो सम्मानित किया जाही श्रीमती प्रभावती देवी जी ग्राम रतनपुर विकासखंड खड़गवा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। 13 वर्ष से दीदी है काम करे थे मितानिन के रूप में और हिंसा से मुक्ति दिलाए मा दीदी मन पर काम करे है तो दीदी पर बढ़िया ताली और अभिवादन। अगला कड़ी मां मैं आमंत्रित करूं श्रीमती क्रांति एक्का जी तैयार रहू। गांव के नाम है तुकाम विकासखंड मानपुर जिला मोहला मानपुर चौकी। वने ताली बजा दीदी मन सब जन मितानिन दीदी मन आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती क्रांति एक्का जी को। गांव के नाम है तुकाम विकासखंड मानपुर जिला मोहला मानपुर चौकी। सादर आमंत्रित हो जल्दी आवाओ। सॉल श्रीफल पहले देवा जाओ आगू आगू आवाओ। जम्मो दीदी मन आप मन के प्रतिनिधित्व कर रहे थे प्रतीकात्मक रूप में तो बढ़िया स्वागत है अभिवादन के बेरा है सम्मान के बेरा है। माननीय अतिथियों के करकमलों से स्वागत सम्मान और प्रतीकात्मक रूप में ताली में ऊर्जा बढ़ावा उत्साह बढ़ावा। खाता में पैसा आ गए ना महतारी बंधन के आते थे हर महीना अब यहूं में आवा थे। अब अगला करीमा श्रीमती मीना कोड़ी ग्राम सुकमा विकासखंड सुकमा जिला सुकमा। 4 बच्छर ले आप मन मितानिन के रूप में काम करत हो 115 घर में 335 लोगन के मदद करे हो 32 गर्भवती माता मन के प्रसव में जांच और संस्थागत प्रसव में आप मन के जो योगदान है बहुत सुघर रहे है। 4 कुपोषित लैका मन के पुनर्वास पोषण पर आप मन काम करे हो 2 जन टीबी के मरीज और 1 जन कुष्ठ के मरीज मन के इलाज में आप मन सहयोग करे हो। बहुत बहुत बधाई और सम्मान की बेरा श्रीमती मीना कोड़ी सुकमा से बहुत बहुत बधाई। अगला कड़ीमा आमंत्रित करबो श्रीमती संतोषी जी ग्राम केंद्रीय विकासखंड अभनपुर जिला रायपुर। आगमन करथन पाछू 15 बच्छर ले मितानिन के रूप में दीदी सेवा दे थे 30 वर्ष से ऊपर के जो पारा के हमर रहवासी तिकर मन के सेवा में है 17 बीपी और 17 सुगर के मरीज मन के चिन्हांकन करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कर मन के दवाई के
जो सेवन कर करी से भविष्य में हुआ या गंभीर बीमारी जैसे लकवा ब्रेन हेमरेज ले बचे पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाए है। श्रीमती संतोषी जी हमारे रायपुर जिला के है, विकास का नभनपुर गांव केंद्रीय। अंतिम मां जैन दीदी के सम्मान करे जाए श्रीमती ओमवती जी मानिकपुरी सिवनी के रवैया है, विकास खंड मरवाही गोरेला पिंडरा मरवाही। वने ताली बजाओ। पाछू 17 बसर ले मितानिन के रूप में दीदी काम करत है। 17 किशोरी बालिका मन के खून के कमी के पहचान करके ओमला स्वास्थ्य लाभ बर आगे बढ़ाइन ओमला प्रोत्साहन करी थे। मितानिन के रूप में बढ़िया सुघर सेवा देवत है दीदी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आगंतुकों पवनों से निवेदन स्थान ग्रहण करेंगे। अतना सुघर सौगात मिले है, अतना सुघर सम्मान मिले है, मुला लगते दीदी मन से थोड़ा गोड बात करना चाहिए। मन की बात सुनतो कि नहीं सुनो? हाँ तो कहाओ। अभी आप मन के बात चली। अच्छा ए डाल ले कौन हाथ उठा के अपन बात बताने वाली है दीदी मन कैसे? हाँ दीदी आप मन के परिचय बताऊ, नाम बताऊ और नवा सौगात मिले है कैसे लागत है और क्या कहना चाहू सुघर कार्यक्रम के बारे में? सपा एता इलो लोग मन के मच बाटले जोहार जोहार। माननीय मुख्यमंत्री के बले मच बाटले जोहार करें से। मैं मच नाम लक्ष्मी राणा है। मैं विकासखंड भैरमगढ़ जिला बीजापुर ले इले से। मैं 2018 ले मितानिन कार्यक्रम करें से। मैं चो फारा में 251 घर से उन घर मन के मैं सेवा करुआ, परिवार भर मन करुआ और घरवती मन के टीका लगत का जैसे सही समय में अस्पताल ने हुआ उतर अस्पताल में आयरन गोली का तो का जैसे संग हुआ आयरन गोली खादल में खाए फायदा हुआ उन संग हुआ और नवजात पिला मन के कसन गरम संगत हो रहा है कसन दूध पिया दो रहा उन चका जे सलाह देवा कसन संगत रहा उन सब का जे मैं सेवा करवा टीबी मरीज मन के शुरू ले लास्ट तक दवाई कुआ तो का जे मदद करवा और उन मन के अच्छा होतले डॉक्टर है पूरा सेवा करे से जर दर लोग के मलेरिया किट में जांच करे से मलेरिया निकलो में उन मन के मैं उम्र अनुसार ऐसे 3 दिन तक मैं कुआवा मच पूरे ऐसे टी दोई उम्र अनुसार में और दस्त उल्टी जो भी सब एक प्रकार जो पुत्र टीबी कुष्ठ मानसिक हर प्रकार जो बीमारी लोग के मैं मदद करूँ अस्पताल ने सलाह देवा और मैं लक्ष्मी राणा माननीय मुख्यमंत्री के आभार करे से धन्यवाद करे से कि हम एक काम के हमी एक काम कर लो पैसा हम के आगे लेट ले मिलते रही केबे केबे 2-3 महीना हम के इंतजार करु पड़ते रही हम जो फिल्म पढ़ाई लिखाई नहीं होते रही और हम को घर खर्चा बोले नहीं होते रही सब कुछ नहीं होते रही नहीं कर सकते रहू हम जो घर जो खर्चा पूरा ये अनुसार हम जो माननीय मुख्यमंत्री हम जो का जो नया नियम निकाल से ये माननीय मुख्यमंत्री के ये जो का जो मैं हम जो बांट ले 72,000 मितानिन दीदी मन बांट ले माननीय मुख्यमंत्री के मैं आधार करे से धन्यवाद करे से मैं हेलो दीदी का बात इतना समस्त करे से जय जोहार दीदी पर बने ताली और मानी वन मंत्री जी कुछ पूछना चाहिए हल भी मातना दीदी बात है किसे राणा दीदी ये बात देखता है बात हाँ जी सर का भैरमगढ़ ले आज तुई हाँ अच्छा तो मुख्यमंत्री योजना चालू कर लो अच्छा लाग ली का है अच्छा लागली हम क्या रिक लागली हमें सब कुछ अच्छा करूँ सब और जोड़ ले काम कर तो रासे हाँ है नहीं हाँ और उन थाने अच्छा ले अच्छा स्वास्थ्य सुविधा दे तो रासे हाँ ठीक है और ये भी कितनों माता बहन के जज की करा ली सी तुई ये भी तक एक महीना में मछपारा में 4-5 लोग हुआ वाह बढ़िया खूबे बधाई आप हाँ। मन के
बहुत बहुत धन्यवाद तुके और अच्छा गोट के बल्लिस तु एक बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी बाटले ठीक है थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वन मंत्री जी और सुगर देखो हल्बी में दीदी बोली तो इंग्लिश में थैंक यू गले बोली से इतना सुगर बात अच्छा ए डान वाली दीदी मन से घलो हम हाथ तो उठावा कोनो कहना चाहो कहा है दीदी हा हाँ ए दीदी हाँ दे आगे बैठे कहा कहना चाहो दीदी अपन परिचय दू अपन बताओ कैसे लागत है माइक दे देवा प्लीज माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री जी के मैं पाँव पड़त हूँ और जतक भी बैठा है अधिकारी मंत्री मन सब जन के जय जोहार करत हूँ मैं नाम होलिका बाई है के मैं ग्राम रेंगारी पंचायत बेहरा खार तहसील कुनकुरी जिला जसपुर करे को मैं मितानिन कार्यक्रम है 2003 ले जुड़ हूँ और अपन पारा है अपन गांव है स्वास्थ्य सेवा देता हूँ मितानिन कार्यक्रम है जे भी काम करी लोकर हमके प्रोत्साहन राशि मिले वो प्रोत्साहन राशि हमके समय से नहीं भेटात रहे लेकिन अब बड़ा रीच कर बात तो ये है कि हमार माननीय मुख्यमंत्री जी का नया मतलब कि नया नवा कदम उठाए हैं हमार लाए मोर लिखे सब मितानिन बहिन के एक संगे एक महीना है सबके बराबर समय है सबके प्रोत्साहन राशि भेटे ओकर लाए हमें सब मितानिन बहिन मन बहुत